खबर हमीरपुर से है, जहां पर तेज रफ्तार टेलर और ट्रक की आमने सामने से जोरदार भिड़ंत हो गई है। इस दौरान हादसे में एक ट्रक क्लीनर और चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खबर मथुरा से है, जहां पर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में पैदल मार्च निकाला गया है। इस दौरान पुलिस कर्मियों ने आगामी त्योहारों को देखते हुए लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। इसके अलावा अधीक्षक ने पुलिस कर्मियों को जिले में आने वाले श्रद्धालुओं के प्रति सौहार्द की भावना बनाए रखने के निर्देश दिए। साथ ही साथ अधीक्षक ने यातायात सुविधाओं के बारे में भी जानकारी ली है। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि हरियाली तीज के त्यौहार पे बांके बिहारी जी के मंदिर पर बहुत भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, तो उसके लिए जो पुलिस व्यवस्थाएं की गई हैं, जो पार्किंग की व्यवस्थाएं की गई हैं, जो श्रद्धालुओं के लिए मूवमेंट की व्यवस्था की गई है, उस सब के संबंध में आज पुलिस के जो कर्मचारी हैं उनकी ब्रीफिंग यहाँ वृंदावन में रखी गई थी। ब्रीफिंग में यही उनको बताया गया कि क्या क्या मेन मेन ड्यूटियाँ हैं, किस प्रकार से क्राउड का संचालन होना है, किस प्रकार से ट्रैफिक और पार्किंग की व्यवस्था को मैनेज करना है ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, और किस प्रकार से एक अच्छे व्यवहार के साथ इस व्यवस्था को सुनिश्चित करना है ताकि यात्री और श्रद्धालु जो आ रहे हैं वो यहाँ से एक अच्छा और पॉजिटिव नोट लेकर जाएं जनपद से। खबर फिरोजाबाद के रसूलपुर थाना क्षेत्र से है, जहां पर एक अस्पताल में गर्भवती महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद नाराज परिजनों ने अस्पताल में जोरदार हंगामा किया। वहीं घटना की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मामले की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। बुलंदशहर में दबिश देने गई पुलिस टीम पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। वहीं जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी कई राउंड फायरिंग की है। आपको बता दें कि ग्रामीणों के हंगामे के बाद मुंबई पुलिस का आरोपी फरार हो गया था, जिसके बाद मुंबई पुलिस दबिश करने बुलंदशहर पहुंची थी। हालांकि पुलिस के हाथ अभी खाली हैं। पूरा मामला औरंगाबाद थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। क्या मामला हुआ? ये मामला हुआ, आए थे ये घर पे, आए थे, उसका कोई नहीं था, मैं अकेली थी। कौन लोग आए थे? ये जो है कौन लोग, मतलब ये पकड़ने वाले, इन्हें उठा, एक आदमी को उठाने के लिए वो वहाँ पे है, वहाँ पे घर पे। मैंने मना भी करी था, यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ पे क्यों भर रहे हो? तो उन्होंने मेरे कट्टा रख के नहीं है और मुझसे गाली वाली दे ला के नहीं, मुझे अलग कर दिया वहाँ से आगे। जसवंत जी, क्या मामला हुआ है आपके गाँव में? मामला ये हुआ जी, प्रधान जी घर में घुस गए आके, और हमने पूछा भाई आप ऐसे कैसे घुस रहे हो, और प्रधान जी में धक्का मारा और एक बच्चा था छोटा, उसमें जो उसके पिस्टल लग दी, भाई कौन हो भाई, तुरंत मेरे यहाँ एक ने पिस्टल मार दी और फिर फायरिंग खोली, एक फायरिंग साइड में कर, एक साइड में कर, और एक उस बच्चे की साइड में लग सी, और तुरंत फिर पब्लिक चावलंग से आ गई और ये चावलंग से घेर लिए, फिर पुलिस बुला ली, पुलिस ने जो कोई अभी कार्रवाई नहीं करी है। औरंगाबाद थाना क्षेत्र के इल्ला गांव में महाराष्ट्र पुलिस आ जाएगी, तब इसको दौरान वहाँ की घटना घटी है, क्या घटना है और क्या कार्रवाई सब की गई है? ये वहाँ से महाराष्ट्र पुलिस में एक कोई फर्जी वेकेशन का मुकदमा कायम था, जो बता रहे हैं कि द्वारा बताया जा रहा है कि पासपोर्ट, फर्जी पासपोर्ट का मुकदमा था। उसमें एक अभियुक्त को एक सूचना इन लोगों के पास ये थी, किलना गांव में है, उसी सूचना पर उनके एक एसआई और एक आरक्षी और इस कुछ इन्होंने प्राइवेट आदमी अपने साथ ले लिए थे पहचान के लिए, ये लोग गाँव में गए थे। इसी दौरान ग्राम प्रधान के घर पर ऐसा बताया जा रहा है कि ग्राम प्रधान के घर पर मुलजिम इन लोगों के द्वारा पाया गया और उसको ये लोग जब लेने की कोशिश किए हैं उसी दौरान इन लोगों की वहाँ पर विवाद हो गया है। उस विवाद में जो एक प्राइवेट व्यक्ति है उसके द्वारा फायरिंग करने की बात बताई जा रही है, इसकी छानबीन आगे की जा रही है और अग्रिम कार्रवाई कराई जा रही है। पुलिस ने आमद कराई थी सर? नहीं, आमद नहीं कराई थी इन्होंने, ये पुलिस लोकल पुलिस को इन्होंने फोन जरूर किया था लेकिन उस लोकल फोर्स इनके साथ पहुँची नहीं थी, न इन्होंने लिया था फोर्स अभी तक। फिरोजाबाद में उत्तर प्रदेश सफाई कर्मचारी संघ सफाई नायक प्रकोष्ठ नगर निगम के लोगों ने तहसील सदर में ज्ञापन सौंपा है, जिसमें सफाई कर्मचारियों ने पुलिस के खिलाफ अपने साथ हुए दुर्व्यवहार को लेकर शिकायत की है, जिसके बाद सीओ ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। परसों 27 तारीख को कूड़े को लेकर मेरे साथ में ये घटना हुई। बम्बा बाईपास रोड पर कूड़े का मौका लगता है, वो तो आप लोग सभी जानते होंगे, एक जगह एकत्रित कराया जाता है, वहाँ मशीन से जो उठाया जाता है, वो काफ़ी टाइम तक, काफ़ी समय से चल रहा है वो, बाद में वो उड़ जाता है पर डे रोड। तो मुझे जो है
कुछ सिपाहियों द्वारा मुझे बुलाया गया कि साहब बुला रहे हैं। मैं वहाँ पहुँचा तो एसओ साहब ने मुझसे, एसओ साहब थे कौन थे ये मुझे जानकारी नहीं है, कहने लगे तुझे कितनी बार समझाया कि ये गंदगी नहीं ख़त्म करेगा। मैंने कहा ये मौका लगा हुआ, ये मौके ऐसे थोड़ी उठते हैं जी, मुझे आप मौका दो तो मैं अपने अधिकारियों से कह के इस काम को करा दूँ। तो मुझ पर थोड़ा सा नाराज़ होकर और पुलिस वालों से कह के मतलब इसको बंद करो लॉकअप में, मेरा गिरवान पकड़ के बुरी तरीके से चप्पलें उतरवा ली गई। जब मैंने इंस्पेक्टर साहब के पास मैंने फ़ोन से बात कर रहा था मैं, तो मेरा फ़ोन मोबाइल छीन लिया और स्विच ऑफ करके वहाँ रख दिया और मुझे लॉकअप की तरफ भेजा दी गई। जब मैंने कहा मैंने इसमें कोई मुलजिम थोड़ी हूँ मैं मुलजिम थोड़ी हूँ मैं, तो मुझे आप ये लॉकअप में ले जा रहे हैं, तो फिर चप्पल उतार के मैं वहाँ जो FIR वगैरह दर्ज होती है वहाँ मैं कह रहे बैठ, तो मैं वहाँ बैठा नहीं, मैं खड़ा रहा नंगे पैर। अब मैं कम से कम घंटा डेढ़ घंटा रहा, मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की, मैंने सर ऐसा है मुझे मोबाइल दे दें आप, मैं अपने अधिकारियों को अवगत करा दूँ, जब भी तो इस काम को मैं कराऊँगा मैं, आप मुझे बिठाए रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो मुझे जो है करीब डेढ़ घंटे परेशान किया और मुझे मेरी बेइज्जती की। क्या मामला हुआ था जो CSET के पास आया और किस तरह का आश्वासन दिया गया? सर मैं सबसे पहले तो धन्यवाद आपको देता हूँ कि आप लोग गरीबों की बात उठाते हैं। मेरा नाम योगेश शरण है, मैं उत्तर प्रदेशीय सफाई कर्मचारी संघ का प्रांतीय महामंत्री हूँ। तो मैं इस नाते से अपने कर्मचारी भाई साथ ही खड़े हुए हैं कि इन लोगों ने हमें बताया उस दिन की घटना है, 27 तारीख की घटना है, और हमारे जो भाई हमारे पास आए तो उन्होंने कहा कि भाई हमें आपका सारा यूनियन का सारा चाहिए, हम आपके पदाधिकारी हैं। तो मैंने कहा यूनियन पूरी तरह से सत्यता से आपके साथ में खड़े हुई है, आप प्रकट बताइए। तो इन्होंने प्रकट बताया कि उस दिन कूड़े को लेकर के वहाँ के जो थाना शायद प्रभारी थे या कोई ऐसा ही होंगे, उन्होंने भाई को पूरी तरह से साहब बेइज्जत करते हुए उन्हें थाने में बैठा के रखा। करीबन डेढ़ घंटे ये थाने में बैठे और ये समझो जैसे कि इस तरीके से जैसे कि घटना मान के चली, जैसे कौन ऐसा ही थे, क्या नाम है उनका? उनका नाम तो खैर हमें नहीं मालूम है। किस थाने में? थाना रामगढ़ थाना, वहाँ पे एक मौका लगता था, उसको लेकर के भाई को बिठाला, थाने में बिठाला, इस तरीके से जैसे कोई आतंकवाद। खबर फिरोजाबाद से है जहाँ पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान को लेकर पुलिस प्रशासन शहर में मुस्तैद नजर आई। आपको बता दें कि जुम्मे की नमाज को लेकर एक दिन पहले बीती रात जैन मंदिर सुभाष चौराहे से लेकर गांधी पार्क 16 सेंटर तक पूरे शहर में थाना अध्यक्ष ने अपने काफिले के साथ पैदल मार्च करते नजर आए हैं। सर इस तरीके से रात में चेकिंग की जा रही है, किस तरह हम ये नगर क्षेत्र में संवेदनशीलता बनी रहती है उसको देखते हुए लगातार रात्रि अधिकारियों को ब्रीफ किया जा रहा है, वो अपनी ड्यूटी पे अलर्ट रहें, सतर्कता से चेकिंग करते रहें ताकि किसी भी प्रकार की कोई आपराधिक गतिविधि होने को रोका जा सके। ठीक है। खबर अलीगढ़ के हुसैनपुर से है जहां पर दीवार ढहने की वजह से एक दर्दनाक हादसा हो गया है जिसकी चपेट में आने से 2 स्कूली बच्चों की मौत हो गई जबकि 4 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। स्थानीय लोगों ने बताया है कि स्कूली बच्चे जब स्कूल से वापस लौट रहे थे तभी निर्माणाधीन दीवार उनके ऊपर गिर पड़ी, इससे 2 बच्चों ने दम तोड़ दिया, बाकी 4 बच्चे घायल हो गए हैं। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं घटना के बाद से गांव में कोहराम मचा हुआ है। दिनांक 29 जुलाई को दोपहर 3-4 बजे के आसपास थाना दादो क्षेत्र के गांव हुसैनपुर शहजादपुर से सूचना प्राप्त हुई कि गांव में बारिश के कारण नवनिर्मित दीवार ढहने से गांव के ही 6 बच्चे जो आसपास खेल रहे थे वो दब गए और दबने के कारण 2 बच्चों की मृत्यु हो गई। जो बच्चे खेल रहे थे उनकी उम्र 8 से 12 वर्ष के बीच में है। सूचना मिलते ही पुलिस व प्रशासन के अधिकारी मौका मुहैया करने पहुंचे। मृतक के परिवारजनों के साथ संवेदना प्रकट करके आगे की विधिक कार्रवाई प्रस्तुत की गई है। बाकी बच्चों का इलाज कराया जा रहा है, वो खतरों से बाहर है। मृतक के शव को मोर्चरी पहुंचा दिया गया और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। खबर बांदा से जहां पर तेज रफ्तार कार ने टेम्पो और ई रिक्शा में टक्कर मार दी है। इस हादसे में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है, वहीं मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे के बाद पुलिस ने नशे में डूबे कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है। पूरी घटना गिरवा थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। मेरी एक्सीडेंट जो है इनोवा और उससे टेम्पो से हुई है और इनोवा वाले टेम्पो में जोरदार हमने सामने टक्कर मारी है जिसमें जो है ये हमारे गिरवा
के मोड़ की घटना है और इसमें 6 लोग ख़त्म हो चुके हैं, जिनकी डेड बॉडी हम लोग पोस्टमार्टम के लिए भेज चुके हैं और 7 लोग इंजर्ड हैं, उनके इलाज के लिए हम लोगों ने उनको मेडिकल कॉलेज भिजवा दिया है। सर कौन लोग थे, कहाँ से कहाँ जाए, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? अभी डिटेल जानकारी हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं। हाँ, इसी हमारे नरेनी तहसील के ये लोग हैं जो मृतक और घायल हैं, मसूरी और हुसैनपुर के लोग बताए जा रहे हैं, लेकिन हमने अभी तस्दीक के लिए अपनी दोनों जगह टीमें नरेनी की टीम लगा रखी है। डिटेल बाद में पता चल पाएगा कि कितने गांव कितने लोग हैं। देखिए, एक नरेनी की तरफ से एक इनोवा आ रही थी हाई स्पीड में और उल्टे साइड से एक ऑटो जा रहा था और जो इनोवा थी उसमें टक्कर मार दी और उसका जो ड्राइवर था वो ड्रंक था। तत्काल ड्राइवर को हम लोगों ने कस्टडी में ले लिया है। इसमें अभी 6 लोग की डेथ हुई है और 7 लोग अभी घायल हैं। घायलों को जिला मेडिकल कॉलेज में हम लोगों ने भर्ती करा दिया है, जहां सकुशल उनका इलाज चल रहा है। यहां पर सभी मौके पर सभी अधिकारीगण हैं, कई थानों की हम लोग की फोर्स थी, तुरंत हम लोग का स्विफ्ट रिस्पांस था। घायलों को हम लोगों ने तुरंत अस्पताल पहुंचाया, बॉडी को मॉर्चरी पहुंचाया, कोई भी लॉ एंड ऑर्डर इशू नहीं रहा। आगे हम लोग मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं, सभी का हाल चल रहा है। वही खबर बदायूं से है, जहां पर अवैध खनन को लेकर माफियाओं के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि योगी सरकार भले ही खनन माफियाओं को लेकर कितनी भी सख्त हो, लेकिन खनन माफियाओं में शासन प्रशासन का बिल्कुल भी भय नहीं है। माफिया दिन दहाड़े ही अवैध खनन कर पुलिस के सामने से गुजर कर जाते हैं, लेकिन पुलिस मूक दर्शक बनकर देखती रहती है। पुलिस की मिली भगत से ही खनन माफियाओं के हौसले अब इस कदर बुलंद हैं, जिससे नवागत कोतवाली प्रभारी पर सवाल खड़े हो रहे हैं, या फिर खनन माफियाओं के हौसले के आगे पुलिस नतमस्तक है। ये पूरा मामला दादागंज सर्किल के थाना हजरतपुर का बताया जा रहा है।